Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the important types of frauds which we will be seeing in this video. तो auditing का एक session हमने start किया है. Last मैंने errors और objectives के बारे में video डाला था, तो उसके बारे में आज हम discuss करने वाले हैं. सो ऑडिटिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड्स जो होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लास्ट और वीडियो में आपने हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. तो दिस वीडियो विल बी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स. तो वीडियो लास्ट तक देखें. तो पहले हम फ्रॉड का मीनिंग समझते हैं. फ्रॉड क्या है? इंटेंशनली या डेलिबरेटली अगर हमने कुछ मिस्टेक किए हैं, मिस इंटरप्रिटेशन दिखा है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो उसे हम फ्रॉड के नाम से जानते हैं. अगर आपने गलती से मिस्टेक कर लिया तो उसको हम एरर के नाम से जानते हैं. लेकिन अगर आपने जो मिस्टेक थी वो जानबूझ के की है किसी को चीट करने के लिए, तो उसको हम फ्रॉड के नाम से जानते हैं. तो डेलिबरेटली मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय मैनेजमेंट और एनी एम्प्लॉय. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉड जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मैनिपुलेशन एंड मिस अप्रोप्रिएशन. तो फिलहाल हम मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. मैनिपुलेशन को हम अल्टरेशन के नाम से भी जानते हैं. मैनिपुलेशन में देर आर थ्री टाइप्स एक्चुअली. तो इस तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी इससे रिलेटेड देने वाला हूँ. तो फर्स्ट इज द डेलिबरेट ओमिशन. फर्स्ट पॉइंट अंडर मैनिपुलेशन और अल्टरेशंस कम्स एज डेलिबरेट ओमिशन. सेकेंड पॉइंट कम्स एट रिकॉर्डिंग ऑफ बोगस ट्रांजेक्शंस. ऐसे ट्रांजेक्शन जो है ही नहीं वो रिकॉर्ड कर लिए. और थर्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको बहुत से ऑडिटिंग के पेपर में शॉर्ट नोट देखने मिलता है, विच इज़ कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग. तो विंडो ड्रेसिंग क्या है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल आप इससे ये ओवरऑल मैनिपुलेशन या अल्टरेशन से एक ही चीज़ समझे कि मैनिपुलेशन और अल्टरेशन एक टाइप का फ्रॉड है जिसमें तीन चीज़ों की वजह से फ्रॉड होता है. नंबर वन इज डेलिबरेट ओमिशन, नंबर सेकंड बोगस ट्रांजैक्शंस, एंड नंबर थर्ड विंडो ड्रेसिंग. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट डेलिबरेट ओमिशन. डेलिबरेट ओमिशन का मतलब क्या है कि अ ट्रांजेक्शन मे नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने एक सेल कर दिया 40,000 रुपीस का, लेकिन वो सेल करने के बाद वो 40,000 उसने उसके सुपीरियर को या मैनेजर को इन्फॉर्म ही नहीं किया और उसने क्या कर दिया, गुड्स तो सोल्ड कर दिए और पैसा खुद के पास रख दिया, तो इससे किसका फ़ायदा होगा? कंपनी का फ़ायदा इसमें नहीं है. इसमें किसका फ़ायदा है? वो इंडिविजुअल का, वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का. इसीलिए ये एक टाइप का फ्रॉड है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेलिबरेट ओमिशन. मतलब जानबूझ के उसने कुछ ट्रांजैक्शन किया और उसके जो भी कैश मिली थी वो कैश को उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया है. तो इफ ही इज नॉट शोइंग द कैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज डेलिबरेटली ओमिटिंग द कैश, दैट मीन्स इज डेलिबरेटली नॉट शोइंग. तो इस वो टाइप के फ्रॉड को बोला जाता है डेलिबरेट ओमिशन. मतलब कोई ट्रांजैक्शन करना और उससे जितना भी बेनिफिट मिले वो खुद के लिए ही रखना, कंपनी में वो कैश रिवील नहीं करना, कंपनी में वो कैश नहीं दिखाएंगे ताकि वो पैसा हमारे पास ही रहे. तो ऐसे टाइप का फ्रॉड कौन सा टाइप का फ्रॉड होगा? डेलिबरेट ओमिशन. तो पहला है हमारा डेलिबरेट ओमिशन अंडर द हेड मैनिपुलेशन. नेक्स्ट टाइप इज रिकॉर्डिंग ऑफ बोगस ट्रांजैक्शंस. देखो बोगस ट्रांजैक्शंस मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो है ही नहीं, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हुए ही नहीं है. जैसे डमी और बोगस ट्रांजैक्शंस में भी रिकॉर्डेड टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन. तो फाइनेंशियल पोजीशन को मैनिपुलेट करने के लिए जितना इनकम है उतना इनकम नहीं दिखाया, जानबूझ के इनकम कम दिखाया है. इनकम कम क्यों दिखाया जाएगा? जितना आप इनकम कम दिखाओगे उतना आपका प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स आपको कम भरना पड़ेगा. इसीलिए ये सब बोगस ट्रांजैक्शंस है. मैनेजमेंट ने क्या कर दिया कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए जो एक्चुअली हुए ही नहीं और उन्होंने अपना प्रॉफिट कम कर दिया. तो नेक्स्ट इज बोगस ट्रांजैक्शंस. ओके, थर्ड एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन हैव वन काइंड ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ऑन दिस पॉइंट ओनली, विच इज़ कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग. देखो विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब ऐसा है कि प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करना है कि लोग प्रेजेंटेशन से ही अट्रैक्ट हो जाए.
प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स इन सच अ वे दैट इट शोज अ बेटर फाइनेंशियल पोजिशन, इसका मतलब कंपनी की पोजिशन कुछ और है और आप दिखा कुछ और रहे हो। अगर कंपनी की पोजीशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपने बैलेंस शीट इतनी अच्छी तरीके से फ्रेम कर लिया और उसमें सब ऐसी चीज़ें दिखाई ताकि सामने वाला जो पर्सन है वो बैलेंस शीट से अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसे केस में वो कंसेप्ट को या वो फ्रॉड को हम क्या बोलेंगे, विंडो ड्रेसिंग। दैट मीन्स हमने हमारी बैलेंस शीट को इस तरीके से ड्रेस किया है कि पीपल गेट अट्रैक्टेड। इट कैन बी डन बाय ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इट कैन बी डन बाय ओवर वैल्यूएशन सॉरी अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज। तो इट इज़ डन जनरली बाई कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंजेस और हु हैव अप्लाइड फॉर अ लोन। स्टॉक एक्सचेंजेस में अच्छा दिखना चाहिए, अगर हमारा बैलेंस शीट अच्छा होगा तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, लोन के लिए हमारे असेट्स अच्छे होने चाहिए, बैलेंस शीट अच्छा होना चाहिए, तो ये उस बेस पे फ्रॉड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड इज मिस अप्रोप्रिएशन। सो पहला हमने पढ़ा मैनिपुलेशन, नाउ इट्स मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन कैन बी डन बाई टू पॉइंट्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो दोनों चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का मतलब होता है बाय नॉट रिकॉर्डिंग एनी कैश रिसीव्ड, या फिर रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड लेकिन कम, 1000 रुपीज़ मिले, 500 रुपये रिकॉर्ड कर लिए, 500 रुपये अपने पास रख दिए, ज़्यादा कैश रिकॉर्ड करना, डमी कैश पेमेंट्स देखना कि एक्चुअल थिफ्ट जो होता है चोरी हो गई है तो उसके बेस पे भी कैश जो है वो कम रिकॉर्ड करना है। तो ऐसे केस में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश इज़ नथिंग बट आप कैश की हेराफेरी कर रहे हो, पैसे की हेराफेरी कर रहे हो। नंबर सेकंड इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में क्या होता है कि हम गुड्स जो भी हमको मिलते हैं वो गुड्स हम कम रिकॉर्ड करते हैं, बाय नॉट रिकॉर्डिंग द गुड्स रिसीव्ड, रिकॉर्डिंग ओनली सम पार्ट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड, या डमी सेल्स एक्सेस सेल्स दिखाते हैं और जो बाकी के गुड्स बचेंगे वो पर्सनल लेवल पे कहीं सेल कर देते हैं, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट द लास्ट टाइप ऑफ फ्रॉड इज टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग एक्चुअली वर्ड से थोड़ा कन्फ्यूज होता है कि टीमिंग एंड लीडिंग है क्या। टीमिंग एंड लीडिंग हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। अगर एक कस्टमर से हमें पैसा मिला है, समझो कस्टमर से 10,000 रुपीज़ मिले हैं, तो अकाउंटेंट क्या करेगा या एम्प्लॉय क्या करेगा, वो कस्टमर से जितना भी पैसा मिला है वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर लेगा। अब एक पर्सन से 1000 रुपीज़ मिले थे, उसने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर दिए, मतलब उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं किया है। और यही छुपाने के लिए किसी और से जब पैसे मिलेंगे तब वो फर्स्ट पर्सन के 1000 रुपीज़ अकाउंट में एंट्री कर लेगा। फिर ये कैसे टाइप का फ्रॉड है, ये कंटिन्यू होता है। समझो ए से पैसे मिले थे, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किए, फिर बी से जब पैसे मिले यूज़ किए जाएंगे, फिर सी से पैसे मिलेंगे तो सी के पैसे जो भी आएंगे वो बी के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, मतलब बी के पैसे ऐसे दिखाए जाएंगे। फिर ऐसे फ्रॉड कंटिन्यू होते रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज टीमिंग एंड लीडिंग, जो पकड़ा ही नहीं जाएगा। जब भी पकड़ा जाएगा तब उसके बेसिस पे दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। सो दिस इज़ दी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करो। एंड मैंने ऑडिटिंग का सीरीज स्टार्ट किया, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। आपका मोटिवेशन से मैं ऐसे ऐसे वीडियोज लाते रहता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर। थैंक यू।